माइंड बी एट ओ एन जी सी राइट एंड देन आई केम टू नो कि मतलब वो भी एक अच्छी स्ट्रीम हो सकती है स्टूडेंट्स की जिनका जो अकेडमिक ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है वो वही रहा है और उसी के साथ साथ आज भी एक नीच स्पेशन है दैट इज एम बी ए इन डिफेंस मैनेजमेंट इसके बारे में इसके कोर्स के बारे में हम समझेंगे एंड इवन कॉलेजेस भी हम देखेंगे सो लेट्स गिट स्टार्ट सो आई होप यू गाइज इज डूइंग गड बिकॉज आई एम डूंग सुपर एंड आम गर यू टॉक अबाउट एम बी ए इन डिफेंस मैनेजमेंट अब अगर हम बात करें कि हमें डिफेंस से क्या समझ में आता है तो अगर मैं यू you नो know, क्या किसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको छोड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं आर्मी नेवी यू नो मर्चेंट नेवी यू नो एय मतलब ऐसे बहुत सारे थाट्स जो हैं वो दिमाग में आते हैं द रे किड पर आई थिंक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आपका इस सेक्टर में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है बट मैं इन शॉर्ट करके आपको बताती हूँ कोई सा भी सेक्टर हो वहाँ पे मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है भले वो हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हम बात करें प्रोडक्शन की हम बात करें लॉजिस्टिक की और हम बात करें मैनेजमेंट की अब इट कैन बी यू नो ऑयल एंड गैस इट कैन बी सप्लाई चेन इट कैन बी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इट कैन बी डिफेंस मैनेजमेंट उसके साथ साथ इस कोर्स में स्पेसिफिकली आपको कई सारी चीजें जैसे डिफेंस प्रिक्योरमेंट के बारे में राइट right? डिफेंस में बजटिंग कैसे होती है उसके बारे में फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और एनालिसिस के बारे में डिफेंस पॉलिसी क्या होती है कैसे बनती हैं सारी चीज़ों के बारे में और इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो कि बहुत बड़ी चीज़ आप देखते होंगे इसमें सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा बजट जाता है इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है ऐसे पढ़ाया नहीं जाता लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे वो इंडस्ट्री कैसे काम करती है आप वो भी सीखते हो और समझते हो राइट right? हाईलाइट्स अगर हम इस कोर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है जिनको अपना करियर मैनेजमेंट लेवल पे बनाना है डिफेंस इंडस्ट्री में राइट right? सिंपल सी चीज़ है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लीडरशिप ह्यूमन स्किल्स लीडरशिप पोटेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो मैंने जो मैनेजर रोल्स हैं डिफेंस इंडस्ट्री में उसको हैंडल कर सके एज डिफेंस प्रोडक्शन डिफेंस एक्विजिशन डिफेंस प्रोक्योरमेंट अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट लॉट मोर नाउ टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स जो कि पढ़ाए जाते हैं डिफेंस मैनेजमेंट में कॉमन चीज़ें नहीं बात करेंगे जैसे जैसे सोशल इकोनॉमिक एंड इन कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस पर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एन एनालिसिस पढ़ाया जाता है बेसिक एचआर पढ़ाया जाता है बट इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी स्टडीज आई सी टी मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस राइट देन उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एनालिसिस फॉर मैनेज एप्लीकेशन इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है इंडियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर राइट जैसे ए आई इन डिफेंस डिफेंस ऑफसेट के बारे में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड डिफेंस के बारे में ग्लोबल सिक्योरिटी इमरजेंस चैलेंजेस के बारे में डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में और इन जनरल मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशन जैसी चीजें भी आपको पढ़ाई जाती है जैसे जिसमें एक

करियर ऑपरचुनिटी में अगर आप ये करते हैं मैं फिर यही कहूंगी कॉलेजेस आप देखेंगे बहुत कम मिलेंगे मतलब एक तरह से ना के बराबरी मिलेंगे बट स्टूडेंट्स भी जो हैं बहुत कम स्टूडेंट्स डिफेंस मैनेजमेंट में करियर ऑप्ट करना चाहते हैं जिनकी फैमिली कही बैकग्राउंड कहीं ना कहीं ये रहा है या फिर उनका शुरू से इंटरेस्ट इस फील्ड में रहा है वही इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डिफेंस प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोफाइल पर प्लेस हो सकते हैं आप मिलिट्री लॉजिस्टिक मैनेजर यही डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजर डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट डिफेंस कंसल्टेंट डिफेंस एनालिस्ट डिफेंस मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर जैसी प्रोफाइल पे प्लेस हो सकते हैं कॉलेजेस की हम बात करें कॉलेजेस प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करते इफ यू वांट टू नो मोर दैट नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं बाकी डीज आर इन जनरल कॉलेज विच इंक्लूज नेशनल अकेडमी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चे यू नो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में दूसरे कोर्सेज के लिए भी पूछते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी Army Institute of Management and Technology. And that's all about this episode. Do not forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.